So in previous class, हेलो सर। हाँ बिल्कुल को सर टिक्के रोयन से पिल्ला रकम जॉइन होने थे सर टिक्के करूँ थे सर। हाँ ठीक है। मैंने लिंक रे जॉइन नहीं पाना आ गया। ठीक है। हेलो। हाँ बिल्कुल को सर कनेक्ट तो होनी सर सुना सर सौम्या कहते सर गोटे गोटे मिनट मु आईडी पासवर्ड टा बतो छी। आईडी और पासवर्ड थरे करनो मीटिंग आईडी पासवर्ड टा अछि ता थरे ट्राई कर छी सर। आई स्टार्ट विथ constructor. The constructor is what? So earlier we have discussed about a method, but now today I start with the constructor. So constructor is a special type of method which is used for initializing the member variable. Constructor is a special type of method which is used for initializing the member variable. So what is that member variable? Suppose I define a class XYZ. I define here int a. Int a is what? Int a is called as a member variable. Int a is a member variable. For initializing this member variable, we are using constructor. Okay, so it is a constructor. So if you notice that constructor name and class name is always same. Constructor का जो name है class का name के साथ equal है और ये जो constructor है ये basically use होता है आपका member variable को initialization करने के लिए. For initializing the member variable, we are using constructor. So you can write the definition to repeat. Constructor, it is a special method which is used to initialize member variable. Constructor name and class name is always same. Constructor name or class name is always same. So now for calling a method, method को call करने के लिए आप क्या करते थे ना आप class का object बनाकर object के मदद से आप function को call करते थे. मतलब अगर यहां पर मैं एक function define करता हूं void display function, इसको call करने के लिए आप क्या करते थे ना पहले हम मेन मेथड में क्लास का ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे एक्स वाई जेड आई इज इक्वल्स टू
न्यू एक्स वाई जेड, तब मैंने क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पर आई डिफाइन किया। ये जो आई जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट के मदद से मैं यहाँ पर डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया। सो बाय यूजिंग ऑफ दिस ऑब्जेक्ट आई ऑब्जेक्ट आई एम कॉलिंग द फंक्शन डिस्प्ले। लेकिन जब आप कंस्ट्रक्टर को कॉल करोगे यहाँ पर कोई भी कॉल करने की जरूरत नहीं है। जब आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे तभी आपका कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। तो कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड। ओके, इस लाइन में आपका कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड at the time of class object is created। जब आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, प्रीवियस जो मेथड का एग्जांपल हम किए थे उसमें तो कंस्ट्रक्टर को हमने नहीं बनाया, तो वहां पर क्या कंस्ट्रक्टर नहीं था? तो वहां पर भी कंस्ट्रक्टर था। अगर आप कोई भी कंस्ट्रक्टर का नाम मेंशन नहीं करते हो तो देयर इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर प्रेजेंट ऑटोमेटिकली। एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है तो ऑटोमेटिकली और इनविजिबली वहां पर प्रेजेंट रहेगा। इफ देयर इज नो कंस्ट्रक्टर इज define, then the default constructor present automatically, default constructor present automatically। अगर आप कोई भी constructor define नहीं करते हो तो default constructor automatically present होता है। तो ये भी एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। हेलो सर। हाँ सर, जो पूर्व क्लास रे जो जो प्रोग्राम टाइप थला हटा सर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में तादर प्रेजेंट थला जब हम कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर करना। हाँ सर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर प्रेजेंट ऑटोमेटिकली और यू कैन से इनविजिबली। अच्छा, इनविजिबल। एंड In a class, there may be more than one constructor. More than one constructor will present. A class mein more than one constructor reh sakta hai. तो अगर मोर देन वन कंस्ट्रक्टर रहेगा तो कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा किसको कॉल करेगा। तो इसलिए क्या होता है, जब हम दूसरा कंस्ट्रक्टर डिफाइन करते हैं तो यहां पर आपको पैरामीटर देना पड़ेगा। ये आईएनटी हो सकता है और एक कंस्ट्रक्टर भी डिफाइन कर सकते हैं, एक्स वाई जेड। हेलो सर। सर कंस्ट्रक्टर नेम क्लास नेम को ऑलवेज सेम रहे हो सर, हमें अलग कुछ दे परवे नहीं। कंस्ट्रक्टर नेम एंड क्लास नेम इज ऑलवेज सेम। सो इन अ क्लास देयर मे बी मोर देन वन कंस्ट्रक्टर विल प्रेजेंट, देन इट इज कॉल्ड ओवरलोड कंस्ट्रक्टर। इट्स कॉल्ड ओवरलोड कंस्ट्रक्टर, इसको ओवरलोड कंस्ट्रक्टर बोला जाता है। तो ये कैसे कॉल होगा, तो मैं फिर और एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं, एक्स वाई जेड जे इज इक्वल्स टू न्यू एक्स वाई जेड। जे बनाया तो यहां पर मैं 20 पास किया। जब मैं 20 पास करता हूं तो ये 20 जाकर आपका इसमें स्टोर होगा। फिर
XYZ A equals to new XYZ. तो यहां पर मैं क्या पास करूंगा, यहां पर मैं पास करूंगा स्ट्रिंग वैल्यू, सपोज हेलो, यहां पर मैंने हेलो पास किया. सो दिस वन इज कॉल्ड एज ओवरलोड कंस्ट्रक्टर, इसको ओवरलोड कंस्ट्रक्टर बोला जाता है. ओके, सो हियर वी आर क्रिएटिंग मोर देन वन कंस्ट्रक्टर. सर हमे इठी कोनो माने सिंगल ऑब्जेक्ट रे कॉल कर पेरे ने, मल्टीपल ऑब्जेक्ट के कर के ना कॉल करियो पड़ो, माने सिंगल ऑब्जेक्ट हो कंस्ट्रक्टर माने का हो ना, यू हैव टू क्रिएट अ ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास देन कंस्ट्रक्टर इज कॉल. सो यू आर नॉट एबल टू क्रिएट अ सिंगल ऑब्जेक्ट, सिंगल ऑब्जेक्ट में सारा कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होगा. ओके ओके सर, ओके Okay, so now I show you another program. Of construct. Now see that here I define class constructor int a, यहाँ पर a हो गया आपका member variable और ये हो गया हमारा default constructor. क्यों इसको default constructor बोला जाता है, क्योंकि इसके अंदर कोई parameter नहीं है. फिर यहाँ पर आप अगर देखिएगा, यहाँ पर आपका क्या है ना, आपका parameter यहाँ पर present है, तो इसको overload constructor बोला जाता है. Okay, if the constructor having the parameter, then we can say this is a overload constructor. तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया ना, आपका जो क्लास है, क्लास जो है क्लास का नाम पर एक ऑब्जेक्ट बनाया, कंस्ट्रक्टर I equals to new constructor. यहाँ पर क्लास का ऑब्जेक्ट मैंने पास किया. ओके, जब मैं इस ऑब्जेक्ट पास करता हूँ तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, आपका ये जो कंस्ट्रक्टर है ये कॉल हो जाता है, एक कॉल हो जाएगा. एक कॉल होने से क्या होगा, आपका जो मेंबर वेरिएबल है ए, तो ए में आपका 5 स्टोर होगा. तो ये आपको दिखाएगा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर वैल्यू इज 5. तो यहाँ पर जो दूसरा चीज है कंस्ट्रक्टर आईएनटी एक्स, यहाँ पर एक्स है तो मैंने यहाँ पर 30 पास किया, इसको कॉल जब करता हूं तो 30 पास किया, तो 30 इज इनिशियलाइज इन द एक्स, तो एक्स 30 आकर ए में स्टोर होगा, तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर वैल्यू इज 30, तो यहाँ पर 30 शो करेगा. ओके, तो यहाँ पर 30 शो करेगा. तो अभी मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, रन करके हम देखते हैं आउटपुट हमारा क्या आता है. तो जैसे कि मैंने बोला, आपका क्लास का नाम और फाइल का नाम सेम होना चाहिए. ओके, एक प्रोग्राम में मोर देन वन क्लास रहेगा, लेकिन जिस क्लास में आपका मेन मेथड है उस क्लास में, उस क्लास को आपका सेव करना पड़ेगा, वही नाम पर आपको सेव करना पड़ेगा.
हेलो सर सर सेम पैरामीटर जदि हम रखे कोन हटा एरर देखियो सर एरर आसी सर कंस्ट्रक्टर रे माने मल्टीपल माने सेम नेम रहले ना क्लास नेम रे जदि सेम पैरामीटर हम गोटे माने दीटा ये रे रखले कंस्ट्रक्टर हेटा को एरर आसी देखियो जावा सी फाइल नेम डॉट जावा देन फॉर एग्जीक्यूशन for execution we write here java the default constructor value is 5 parameterized constructor value is 30 so default constructor jo hai number 5 pass kiya parameterized constructor value 30 pass kiya aap jo question kar rahe ho मैं और एक वैल्यू देता हूं तो यहां पर मेरा नाम चेंज करना पड़ेगा वाई तो ए इज इक्वल्स टू वाई तो फिर से मैं और एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं नाउ आई पासिंग हियर 50 क्लास का नाम हो गया तो प्रोजेक्ट से then okay int is already defined okay. एक बार आप int define कर दोगे तो दोबारा वो नहीं ले पाएगा okay तो sorry और एक मैं pm लेता हूँ sir एम लेता हूं अभी देखिए क्या है इज ऑलरेडी ऑलरेडी इट इज डिफाइंड ओके तो आपका पैरामीटर चेंज करना पड़ेगा अगर इसको मैं स्ट्रिंग कर दूंगा तो हो जाएगा मुझे ना सुनो यस सर Now I come to this keyword. So this keyword एक syntax में बताता हूं तो फिर हम this keyword को चलेंगे class xyz int a xyz यहां पर भी पैरामीटर मैंने int a now if I pass a is equals to a then in main method suppose In main method, suppose I'm creating a object of class XYZ. I is equals to new XYZ. Okay, so then
what happened? When you are creating an object, then you are passing a value 10. This 10 is stored here. Then now here compiler get confused. Here compiler confused. Is it showing you what? 0. So compiler get confused. So compiler cannot identify which A is your parameter variable, which A is your member variable. When your member variable and parameter variable both name is same, then in that cases your compiler get confused which value is a parameter variable and which one is a member variable, so that it is initialized the value with a 0. So for that reason, for identifying the member variable, we are using this keyword. So this dot A is equals to A. This dot A is equals to A. So this is a keyword for identifying the member variable. So when we are using this keyword, so first, this keyword is used for three purposes. For first purpose is what? When your member variable and parameter variable name is same, to identifying the member variable, we are using this keyword. Okay. So first option for this keyword. This keyword. Sir, I'm a different name nele tau dabao padiban this keyword. No, different name nele darkar padiban kintu kete kete jagar je eta hoji to ame here we define user defined variable, some function, yes, some variable it is present, some method is present which is predefined, and that value you have to use again and again. Kuch aisa function hai जो प्री डिफाइंड फंक्शन है जो आपका प्रोग्राम में बार बार यूज करना पड़ेगा, तभी क्या होगा, वो फंक्शन का नाम सेम है, प्री डिफाइंड फंक्शन है, तो वहां पर भी कंपाइलर हो जाएगा, तो वहां पर भी आपको दिस कीवर्ड लगाना पड़ेगा. ओके, मेमोरी से पूछे नॉट एग्जैक्टली मेमोरी, लाइक फॉर द बेटर कंपाइलेशन पर्पजेस, लाइक फॉर डिफाइनिंग डिफरेंट डिफरेंट. हाँ, INTA is a two different memory location. But why yes, not using the different? So the question aaya, to main agar different variable to define karunga to ho jayega. To main this keyword ka zarurat nahi hai. Lekin yahan par answer hai, jaise aap yahan par name doge. Suppose ek name ko initialization karna hai. To yahan par kya name 1 diya jayega. To name hone se aapko pata chalega. Name 1, name 2, to which make the confusion. तो इसलिए क्या होगा ना, आपको एक वेरिएबल का नाम बार बार यूज करना पड़ेगा. तो अब बार बार यूज वहां पर अगर दिस कीवर्ड लगा देते हैं तो ऑटोमेटिकली कंपाइलर इसको आइडेंटिफाई कर लेगा. तो जो वेरिएबल आप दिस कीवर्ड लगा रहे हो, ये मेंबर वेरिएबल है और ये जो वेरिएबल है वो पैरामीटर वेरिएबल. ओके सर, so when member variable and parameter variable name is same, then for identifying member variable, this keyword is used. So when member variable and parameter variable name is same, then for identifying the member variable, then this keyword is used. Okay.
Okay, so next is what? Another example for this keyword. Student 10, int id string name, it is a member variable, and here it is having a constructor, it is also having id and name. So we initialize id is equal to id, name is equal to name. So yahan par ho gaya display function. So abhi main iska object bana raha hu, okay, aur phir s2 ka object banaya, dono object mein main display function ko call kiya. तो दोनों यहां पर नेम सेम है. अगर मैं इसको रन करता हूं तो आपका आउटपुट क्या आता है देखिए. For all integer value, for all int value, it is showing you 0. And for all string value, default value, it is initialized null. For integer, it is initialized 0. For string value, it is represented as null. Abhi main kya karta hu, yahan par this keyword use karta hu. ट्रिपल वन करंट 321 आर यू यस सर. ओके, सो व्हेन आई यूज दिस कीवर्ड देन इट इज डिस्प्ले द हेलो. हेलो सर. हाँ हाँ सर, क्लास अच्छे हो भैया. हाँ हाँ अच्छा. प्रियंका कल फ्री हो सुबह? हो पा गया सुबह सर? कितने बजे? कॉलेज है सुबह में. अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक ठीक है. मैं ट्राई करता हूँ, नहीं तो परसों करूँ. इवनिंग ठीक है. चलो Thank you.